नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की यंगेस्ट बिलियनियर काइली जेनर के बारे में। काइली जेनर अभी कुछ ही महीनों पहले दुनिया की यंगेस्ट बिलियनियर बनी है। जब वो यंगेस्ट बिलियनियर बनी तब उसकी एज 21 साल थी, और अभी कुछ ही दिनों पहले यानी 10 अगस्त को काइली 22 साल की हो गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे काइली ने इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले काइली जेनर के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। काइली जेनर की माँ क्रिस जेनर एक टेलीविजन पर्सनालिटी है। क्रिस जेनर के पहले हस्बैंड रॉबर्ट कार्डेशियन से उन्हें 3 बेटियां थी, और उनके दूसरे हस्बैंड कैटलिन जेनर से उन्हें 3 बेटियां थी। क्रिस जेनर का कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस एक रियलिटी शो आता था, और जिससे क्रिस और उनकी फैमिली भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। काइली जब 10 साल की थी तब से ही वो कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस इस रियलिटी शो में आने लगी, जिसकी वजह से वो बचपन से ही काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी और उसकी फैन फॉलोइंग तभी से बढ़ने लगी। इस पॉपुलैरिटी की वजह से काइली को 12-13 साल की उम्र में ही बहुत सारे प्रमोशनल्स और एडवर्टीजमेंट कैंपेन के ऑफर्स आने लगे, जिसकी वजह से वो बचपन से ही काफी सारा पैसा कमाने लगी। जब काइली 17 साल की थी तभी से उसने अपनी बिजनेस प्लानिंग शुरू कर दी। तब उसने काइली लिप किट्स फॉर द परफेक्ट पाउट ये फ्रेज ट्रेडमार्क करवाया। फिर 2015 में काइली ने अपना बिजनेस शुरू किया मॉडलिंग करके, और स्पॉन्सरशिप से काइली ने जो भी पैसा कमाया था उससे उसने 15,000 लिप किट्स बनवाई और उसे सोशल मीडिया के जरिए बेचना शुरू कर दिया। अगर कोई नॉर्मल कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसे बेचने के लिए उसे काफी ज्यादा मार्केटिंग पर फोकस करना होता है, कई सारी चीजें करनी पड़ती है, तब जाकर उसे अच्छी खासी फॉलोइंग मिलती है, तब जाकर लोग उसका प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन काइली के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि काइली पहले से ही बहुत पॉपुलर थी, इसलिए शुरुआत से ही उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बड़ी पावरफुल रही है। नवंबर 2015 में जब काइली ने अपनी लिप किट्स लॉन्च की तब काइली के ट्विटर और इंस्टाग्राम को मिलाकर 5.5 करोड़ फॉलोअर्स थे। तो अपने इस अच्छे खासे फैन बेस का उपयोग उसने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। अपने इस ह्यूज फैन बेस होने का फायदा उसे ये हुआ कि जब काइली ने 30 नवंबर 2015 को अपनी लिप किट लॉन्च की तब 1 मिनट के अंदर ही उसकी सारी लिप किट सोल्ड हो गई, और ये चीज काइली के लिए भी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। उसे भी नहीं पता था कि उसके प्रोडक्ट्स को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो उसके प्रमोशन के लिए उस बिजनेस को कई सारी चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट के जरिए मार्केट करना, या फिर इन्फ्लुएंसर्स के जरिए उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें करनी होती है। पर यहाँ पर काइली के लिए एक एडवांटेज था, ह्यूज सोशल मीडिया फॉलोइंग होने की वजह से उसे अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ा। उसका खुद का बहुत अच्छा फैन बेस होने की वजह से वो बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। तो नवंबर 2015 से लेकर अब तक काइली का फैन बेस काफी तेजी से बढ़ता आ रहा है। टाइम टू टाइम वो अपने सिबलिंग्स के साथ कोलैबोरेशन करती है, जिसकी वजह से उसे और फैनबेस मिलने में मदद होती है। अगर काइली का फिलहाल का फैनबेस देखा जाए तो काइली के इंस्टाग्राम पर 14 करोड़ फॉलोअर्स है, ट्विटर पर 2.8 करोड़ फॉलोअर्स है, फेसबुक पर 2.2 करोड़ फॉलोअर्स है, और यूट्यूब पर 59 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो आप देख सकते हो कि काइली की फैन फॉलोइंग कितनी स्ट्रांग है। इंस्टाग्राम पर 14 करोड़ फॉलोअर्स मतलब एक बहुत बड़ी चीज होती है। यही नहीं, काइली की कंपनी काइली कॉस्मेटिक्स के इंस्टाग्राम पेज को 2 करोड़ लोगों ने फॉलो किया है, तो काइली के ब्रांड को भी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। काइली अपने सोशल मीडिया पेजेस पर अपने नए आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, साथ ही अपनी कॉस्मेटिक किट्स को अपने ऊपर अप्लाई करके लोगों को उसके रिजल्ट्स बताती है। काइली के फॉलोअर्स की खास बात यह है कि उसके फॉलोअर्स में ज्यादातर गर्ल्स और वुमन्स है, जो कि काइली के मेन टारगेट कस्टमर्स है। तो अपने टारगेट कस्टमर्स काइली के पास इजीली अवेलेबल है, जिनकी मदद से और जिनकी वजह से उसे अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा वॉल्यूम पर बेचने में मदद मिलती है। शुरुआत के कुछ टाइम तक काइली बस सोशल मीडिया मार्केटिंग पर डिपेंड थी, वो बस अपनी सोशल मीडिया पेजेस की मदद से मार्केटिंग कर रही थी। लेकिन उसके बाद उसे लगा कि अगर मुझे बिजनेस और ज्यादा बढ़ाना है तो मुझे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रेजेंस भी दिखानी होगी। तो ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करने के लिए काइली ने अल्टा, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रिटेल चेन है, उसके साथ टाई अप किया, और उनके जरिए वो अपने प्रोडक्ट्स ऑफलाइन मार्केट में बेचने लगी। तो अल्टा के साथ पार्टनरशिप करके काइली धीरे धीरे ऑफलाइन मार्केट भी कैप्चर करने लगी, और अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस के जरिए उन लोगों को टारगेट करने लगी जो प्रोडक्ट्स को फिजिकली चेक करना पसंद करते हैं। तो अल्टा की वजह से काइली को बहुत सारे नए कस्टमर्स भी मिलने लगे, जिसकी वजह से काइली के किट्स का रीच काफी बढ़ने लगा। अल्टा के 1,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स है। जब काइली के प्रोडक्ट्स अल्टा में लॉन्च हुए तो वो प्रोडक्ट्स भी बहुत तेजी से बेचने लगे और फटाफट आउट ऑफ स्टॉक जाने लगे। अल्टा के साथ पार्टनरशिप करने के बाद 1.5 महीने के अंदर ही अल्टा के जरिए काइली कॉस्मेटिक्स के $54.5 मिलियन के प्रोडक्ट्स बेचे गए, यानी करीब 380 करोड़ के प्रोडक्ट्स बेचे गए, वो भी बस 1.5 महीने के अंदर। पिछले कुछ टाइम से काइली लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। अभी मई 2019 में ही काइली ने अपनी स्किन लाइन लॉन्च की है, साथ ही वो बेबी लाइन प्रोडक्ट्स लाने की भी प्लानिंग कर रही है। तो काइली कॉस्मेटिक्स के करंट रेवेन्यू को देखकर उसका वैल्यूएशन $900 मिलियन के करीब जा रहा है। काइली कॉस्मेटिक्स के पूरे 100% स्टेक काइली के पास है। तो काइली कॉस्मेटिक्स से
काइली को 900 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ मिली है और बाकी 100 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ उसे बाकी प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से मिली है। तो इस तरह काइली की नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर हो गई है और काइली सबसे यंग एज में बिलियनियर बनने वाली पहली व्यक्ति बनी है। उससे पहले ये रिकॉर्ड मार्क जकरबर्ग के नाम था। मार्क जकरबर्ग जब बिलियनियर बने थे तब उनकी एज 23 साल थी। अपना बिजनेस शुरू करने के एक साल के अंदर ही काइली ने 307 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया था, लेकिन उसके बाद के जो दो साल रहे हैं वो काइली के लिए थोड़े स्लो रहे हैं। 2017 और 2018 में काइली का रेवेन्यू बस 7-8% से ही बढ़ा है, यानी पहले साल के बूस्ट के बाद उसका बिजनेस थोड़ा स्लोली ग्रो हो रहा है। काइली कॉस्मेटिक्स ने 2016 में 307 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया था, 2017 में 330 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया था और 2018 में 360 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया था। काइली के बिजनेस की और एक खास बात यह है कि वो अपने बिजनेस का बहुत सारा पार्ट आउटसोर्स करती है। मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का काम उसने सीड ब्यूटी इस कंपनी को आउटसोर्स किया है। काइली कॉस्मेटिक्स के फुलफिलमेंट का काम शॉपिफाई करती है और काइली मार्केटिंग संभालती है और काइली की माँ क्रिस फाइनेंस संभालती है। तो अपना ज्यादातर काम आउटसोर्स करने की वजह से तो काइली कॉस्मेटिक्स के बहुत ही कम एम्प्लॉयज है। काइली कॉस्मेटिक्स के टोटल 12 एम्प्लॉयज है, जिनमें से 7 फुल टाइम तो 5 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज है। काइली के सक्सेस में काइली की माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। बचपन में काइली के लिए प्रमोशंस ऑफर ले आना, साथ ही अल्टा के साथ पार्टनरशिप करना, इनमें क्रिस जेनर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये थी काइली की बिलियनियर बनने की स्टोरी। देखो, काइली दुनिया की यंगेस्ट बिलियनियर है, दुनिया की रिचेस्ट पर्सन नहीं। दुनिया की रिचेस्ट पर्सन अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस है, जिनकी नेटवर्थ 112 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 7,80,000 करोड़ है। वही काइली जेनर की नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 6,900 करोड़ है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी काइली जेनर की स्टोरी के बारे में पता चले। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पर और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।